आज की ध्यान की यात्रा का प्रारंभ होने जा रहा है। सभी साधक इस यात्रा की तैयारी करें, तैयार हो जाएं अपने यंत्रों के साथ, अपनी चेतना के साथ, अपने मन के साथ, अपनी इच्छा के साथ, अपनी आकांक्षा के साथ, अपनी उत्कंठा के साथ। जिस प्रकार से हर यात्रा आनंददायी होती है, कुछ नई चीजें यात्रा में होती हैं, ठीक इसी प्रकार से ध्यान की यात्रा भी विभिन्नता लिए होती है। हम चाहे एक ही स्थान पर रोज यात्रा करें, पर यात्रा के अनुभव हर रोज कुछ न कुछ अलग अवश्य होते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस ध्यान की सुंदर यात्रा में नाना प्रकार के हमें भीतर में अनुभव होते हैं, और उस अनुभव के आधार पे हम स्वयं को हर रोज थोड़ा और जान पाते हैं। ये यात्रा ना होकर हमारे भीतर की आंतरिक जगत को जानने की एक प्रक्रिया मात्र है। ध्यान कुछ और नहीं, भीतर में स्थित अनेकों परम शक्तियों की स्थिति का एहसास करना है, अनेकों परम शक्तियों के देवी देवताओं का जागरण है। क्या है ध्यान? केवल एक सिंपल सी चीज है, ध्यान जो हमारे भीतर है उसका ध्यान रखना, जो हमारे भीतर है उसका ध्यान देना, जो हमारे भीतर है उसकी स्थिति, उसकी अवस्था का एहसास करना, ध्यान कुछ और नहीं है। साधारण शब्दों में ध्यान का मतलब है परमात्मा का ध्यान करना। हम भी इसी परमात्मा की रचना है, और हमारे अंतर जगत उन्हीं का बनाया हुआ है। जो चीजें आंखों से दिखाई देती हैं, उससे कहीं ज्यादा चीजें हमारे भीतर में हैं, जो हमारे अंदर है, कुछ सोई हैं तो कुछ जागी हैं। ध्यान की यात्रा उन समस्त विभूतियों को हमारे भीतर में जागृत करती चलती हैं, और हमारे अंदर का आनंद बढ़ता ही जाता है। वो आनंद इसलिए बढ़ता है कि जैसे जैसे देवता जागृत होते हैं, वो अपनी खुशी का इजहार करते हैं, और उनकी खुशी ही आनंद के रूप में हमारे भीतर में प्रकट होती है। तो क्यों ना हम हर बार यही इच्छा रखें कि हमारे भीतर के देवता प्रसन्न रहें, और उनकी प्रसन्नता हमारी चेतना में आनंद भरती रहे। तो अब तैयारी करते हैं अपने चित्त को समेटने की। जो चित्त हमारा सांसारिक चीजों में लिप्त हो जाता है, जो अपने जिम्मेदारियां रात दिन निभाते हैं, उन जिम्मेदारियों में उलझ जाता है हमारा चित्त, उसी की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हमारे मन में उठती रहती हैं, जैसे सागर में लहरें उठती हैं। अंदर ही अंदर हम कुछ ना कुछ सोचते हुए कभी विचलित हो जाते हैं, कभी क्रोधित हो जाते हैं, कभी पीड़ा से भर जाते हैं, तो कभी प्रसन्न हो जाते हैं। घटना घट चुकी, लेकिन बाद में उसकी प्रतिक्रियाएं हमारे मन को पीड़ित करती रहती हैं, उलझाती रहती हैं। तो क्यों ना हम इस चीज को समझें कि जो होना था वो हो गया, वो परमेश्वर की इच्छा थी। अब ना काहे को अपने आप को पीड़ा देना सोच सोच कर, क्योंकि सोचने से तो वो घटा हुआ वापस आएगा नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान को भी खराब कर देगा। ध्यान में स्थित होने पर, ध्यान में परमात्मा का प्रेम पाकर हमारे भीतर यही तो शक्ति आती है कि हम
सम्मान में अच्छे से रह पाते हैं, प्रसन्न रह पाते हैं, खुश रह पाते हैं। तो ध्यान वास्तव में हमें वर्तमान में स्थित करने में हमारी मदद करता है। तो आइए चलें इस भगवान के दिए जीवन को आनंद से भर देने के लिए। ध्यान वो मार्ग है जो परमात्मा के इस अद्भुत मानवीय जीवन के गिफ्ट को सार्थक करता है, अन्यथा मनुष्य न जाने कितने प्रकार की पीड़ाओं में अपने इस जीवन को व्यर्थ ही करता चला जाता है, नष्ट कर देता है अपना सारा जीवन। या तो ईर्ष्या में भर कर दूसरे को नष्ट करना चाहेगा, या दूसरे की तरक्की से स्वयं को नष्ट कर लेगा, जल जल कर मर जाएगा। नहीं जानता इस दिव्य आनंद को साधारण मानव। तो आओ साथियों, चलते हैं इस अंतर जगत की यात्रा की ओर। न जाने कितने देवगण हमारे प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारे चित्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों करते हैं हमारे चित्त की प्रतीक्षा ये देवी देवता? क्योंकि वो जानते हैं हमारा चित्त देवी का प्रसाद ला रहा है, हमारा चित्त देवी के पुरस्कार ला रहा है जो हमारे भीतर देवता है उन्हें देने के लिए। न जाने कितने युगों कितने जन्मों से देवी देवता प्रतीक्षारत हैं कि कब मानव जागृत होगा, कब उसके चित्त में प्रकाश आएगा, कब उसकी चेतना हमारे अस्तित्व को भीतर में जानेगी, और कब उसकी इच्छा हम सबको मुक्त करने की होगी। वास्तव में हमारी मुक्ति स्वयं की ना होकर इन्हीं देवी देवताओं और हमारी कुंडली मां की मुक्ति है, जो हमारे मानवीय देह में जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए परमात्मा के द्वारा डाले गए हैं। समस्त देवी देवता अनुपातिक रूप में समस्त मानवों के भीतर स्थित हैं, पर वो सब प्रतीक्षारत हैं अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में। न जाने कितने जन्मों से हमारे साथ बार बार जन्म ले रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने भीतर में इन भावों को भी रखें, इस करुणा को भी रखें, इन देवी देवताओं के लिए इस कदर वात्सल्य को रखें। मानो एक छोटे से बच्चे के लिए हमारे भीतर में वात्सल्य और प्रेम फूट पड़ता है। अपनी माँ कुंडली के लिए क्यों ना हम वो करुणा रखें, अरे माँ हमारी कितने युगों से बार बार जन्म लेती आ रही है, मजबूरी वश इस माँ को हमारे साथ ही रहना पड़ता है, क्यों ना इस माँ को भी हम अपनी चेतना को विकसित कर अपने शरीर रूपी यंत्रणा से, अपने शरीर रूपी कैदखाने से मुक्त कर दें। हमारी माँ भी तो माँ आदिशक्ति की संतान है, हमारी माँ भी तो एक छोटा सा बच्चा है माँ आदिशक्ति का। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप से मिलना चाहते हैं, वैसे ही हमारी माँ कुंडली भी तो माँ आदिशक्ति से मिलने को आतुर है, व्याकुल है, अपने घर जाना चाहती है, माँ के चरणों में हमेशा के लिए समा जाना चाहती है। तो चलो चलते हैं माँ कुंडली की मुक्ति की ओर, समस्त देवताओं की मुक्ति की ओर चलते हैं। ये कार्य हमारे माध्यम से ही होना है, ये चमत्कारिक रूप से अपने आप से नहीं हो सकता, ये हमारी चेतना ने कार्य करना है, हमारी समझ ने ये कार्य करना है, हमारी जागृति ने ये कार्य करना है। चलो अब हम अपने चित्त को मध्य हृदय पे ले आते हैं और कुछ पल माँ के साथ अपने हृदय में ही भीतर बिताते हैं। 1.5-2 मिनट के लिए माँ के साथ में अपने हृदय में ही अपने अस्तित्व को महसूस करेंगे। मानो माँ के सामने ध्यानस्थ हैं, उनके चरणों में ध्यान में बैठे हैं।
माँ के सामने ही ध्यानस्थ होकर अपने चित्त को सहस्त्रार पे ले जाएंगे। माँ के चरणों को, उनके स्पर्श को अपने सहस्त्रार पर ऊर्जा के रूप में महसूस करेंगे। आधा मिनट तक लगभग इस स्पर्श का आनंद उठाएंगे और इस स्पर्श की ऊर्जा को अपने मध्य हृदय में आत्मसात भी करते जाएंगे। महसूस करते रहे माँ के स्पर्श की ऊर्जा हमारे हृदय विशुद्धि आज्ञा और सहस्त्रार में सरसराहट पैदा कर रही है। मानो यहां पर स्थित देवी देवताओं को आनंदित कर रही हो। और अब अपने चित्त को हम सहस्त्रार से ऊपर उठाते हैं। धीरे धीरे अपने चित्त को हम आकाश की ओर उठाते हैं। धीरे धीरे और ऊर्जा के प्रवाह को, ऊर्जा की उपस्थिति को अपने सहस्त्रार से भी महसूस करते रहेंगे। जैसे कि एक हॉट बैलून धीरे धीरे आकाश के अंदर ऊपर की तरफ उठता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा चित्त मां के प्रेम की ऊर्जा से आकाश की ओर जाता जा रहा है। उठाते जाएं धीरे धीरे आकाश में, अनंत आकाश में इस बैलून को, चित्रूपी बैलून को मां की ऊर्जा के सहारे ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठाते जाएं। जैसे जैसे चित्त आपका आकाश की ओर उठता जा रहा है, वैसे वैसे वाइब्रेशन के प्रभाव में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन भी आ रहा है। अब चित्त को और ऊपर ले जाते हैं। आकाश की सीमाओं को भी अब ये चित्त पार करके जा रहा है। अनंत अंतरिक्ष की ओर एक रॉकेट की तरह उठाते जाए अनंत अंतरिक्ष में। धीरे 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 अंतरिक्ष की गहनता में अपने चित्त को उठाते जाए। चित गुजर रहा है अनेकों तारों से के बीच में से, अनेकों ग्रह नक्षत्रों के बीच में से हमारा चित गुजरता हुआ ऊपर की तरफ उठता जा रहा है। और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर चित से हम देख पा रहे हैं सूर्य और चंद्र को भी। गहन काले अंतरिक्ष में सूर्य और चंद्र दोनों ही चमक रहे हैं।
दोनों के बीच में से ही चित्त हमारा और ऊपर की तरफ गुजरता जा रहा है। महसूस करते रहे ऊर्जा को और ऊपर, धीरे धीरे उठाते उठाते अपने चित्त को हम पहुंचा देते हैं विशाल आकाश गंगा की ओर। विराट आकाश गंगा, उसमें संपर्क में आने वाला हमारा चित्त, थोड़ी देर के लिए चित्त को अपने यही आकाश गंगा के साथ टिकाते हैं और यहां से ऊर्जा को महसूस करेंगे अपने सहस्त्रार पे। आकाश गंगाएं कुंडली की तरह ही गोल गोल घूमती हैं, ये भी यात्रा करती हैं स्पाइरल फॉर्म के मूवमेंट में। जिस शक्ति से आकाश गंगा संचालित है उस शक्ति पे अपना चित्त लगाते हैं और अपने भीतर में महसूस करते हैं आकाश गंगा की शक्ति की ऊर्जा को सहस्त्रार के माध्यम से। ऊर्जा को अपने हृदय में भी उतारते जाएंगे, और अपने भीतर के मां के प्रेम को भी इस आकाश गंगा में सहस्त्रार के माध्यम से प्रवाहित करते जाएंगे। मानो हमारा सहस्त्रार एक फव्वारा हो, हृदय में बैठी मां जगदम्बा का प्रेम सहस्त्रार रूपी फव्वारे के माध्यम से समस्त आकाश गंगा में फैलता जा रहा हो, समस्त तारामंडलों को आनंदित कर रहा हो। मानो इस प्रेम की प्रतीक्षा में हजारों युगों से यह आकाश गंगाएं प्रतीक्षारत है। देखिए कितना सुंदर अनुभव हो रहा है, हमारा प्रेम उन आकाश गंगाओं को मिल रहा है तो सेंट्रल हार्ट में बैठी मां प्रसन्न है और प्रसन्नता में हमारे मध्य हृदय में खिंचाव दे रही है। सभी चीज जीवंत है, सभी चीजों में मां की शक्ति विद्यमान है। मध्य हृदय सहस्त्रार आनंदित है, हमारे चित्त का मिलन आकाश गंगा से हो रहा है तो हमारा यंत्र प्रसन्न है। ऊर्जा की हलचल देकर हमको ये यंत्र बता रहा है, और अब अपने चित्त को हम आकाश गंगा से भी ऊपर उठाते हैं। पार ब्रह्म परमेश्वर के श्री चरणों में शून्य सरोवर में निर्मल चरणों से निकलने वाले शून्य धारा चरणामृत इस सरोवर में अपने चित्त को हम डुबा देते हैं। शांत स्थिर आनंदित अनुभूति हमारे भीतर रस फुटित हो रही है।
बड़ा विलक्षण है। हृदय में इच्छा होती है, इसी अवस्था में ही हम विलीन हो जाएं। कैसी अजीब सी अवस्था है, कोई अस्तित्व नहीं हमारा, बस एक चेतना है, एक प्रकाशित चेतन से युक्त चेतना। दो चार मिनट इसी अवस्था में बिताएंगे, विलक्षण आनंद की अवस्था है। हेलो बेटा। हाँ बेटा बोल। इनसे कहना जमा करा देंगे हम रीडिंग लेके, इनको बोल दो। हाँ तो ले नंबर दे दो उनको, उनको हाँ अनुराधा के हम भेज देना। कह रहा है कि हम जमा करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम रीडिंग लेके जमा करा देते हैं? अभी रीडिंग नहीं ली जा सकती क्योंकि मीटर वहां नहीं। चलो कोई बात नहीं, उसे कहना जमा करा देंगे, खत्म कोई बात। ठीक है, नंबर तो तुम देना चाहो दे दो मुझे उसको। तो क्या करने आए हैं वो? खाली दो जने हैं अकेले? लिख के दे दो जरा अनुराधा के साथ। ठीक है, अनुराधा कहते कि जमा करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमने जानबूझ के नहीं कराया था। ठीक है। अब शून्य सरोवर में आनंद के गोते लगाने के बाद अपने चित्त को, एक छोर को हम इसी स्थान पर लगा देते हैं और दूसरे छोर को हम ले जाते हैं पुनः अपने सहस्त्रार की ओर। इस दिव्य स्थान से परमेश्वर की ऊर्जा को
उनके प्रेम को, इस चरणामृत को अपने सहस्त्रार पर लगातार महसूस करते रहेंगे और साथ ही इस ऊर्जा की धारा को हम अपने विशुद्धि के माध्यम से अपने मध्य हृदय तक पहुंचा देते हैं। महसूस करें पार ब्रह्म से यह अमृत धारा हमारे सहस्त्रार से गुजरकर हमारे मध्य हृदय में भरती जा रही हो। मानो हृदय एक बर्तन है हेलो और उसमें जल भरता जा रहा है। इसी भाव में इस कनेक्शन को महसूस करेंगे अपने भीतर। और अब इस पार ब्रह्म के प्रेम को अपने मध्य हृदय से हम सीधे मूलाधार में ले जाएंगे। पूरा चित्त मूलाधार में महसूस करें पार ब्रह्म से अवतरित हुई ये धारा हमारे सहस्त्रार आज्ञा विशुद्धि हृदय नाभि स्वाधिष्ठान से गुजरकर मूलाधार में पहुंच रही है। पूरा चित्र एकाग्र करके अपने मूलाधार में लगाएं और महसूस करें इस ऊर्जा की धारा को। फील करें वाइब्रेशंस को मूलाधार में। श्री गणेश कार्तिकेय प्रसन्न है पार ब्रह्म के प्रेम को पाकर। अपने चित्त को हम मूलाधार में बाई साइड ले जाएंगे, लेफ्ट मूलाधार में, और इस ऊर्जा की धारा को पहुंचा देंगे बाएं मूलाधार की तरफ। कुछ पलों के लिए यहीं रुकेंगे। दाहिने मूलाधार की ओर धीरे धीरे चित्त को अपने दाहिने मूलाधार की तरफ ले जाते हैं कार्तिकेय जी के पास। इस प्रेम को उनको भी पहुंचाएंगे। और अब 7-8 बार अपने चित्त को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं दोनों मूलाधारों में घुमाते हैं एनर्जाइज करने के लिए। इस ऊर्जा की धारा के साथ मानो एक प्लास्टिक के पाइप से हम पौधों को पानी देते हैं, कभी बाएं को देते हैं तो कभी दाएं को देते हैं। इसी तरीके से बाएं से दाएं मूलाधार में अपने चित्त को हम घुमाएंगे 7-8 बार। घुमाइए धीरे धीरे और साथ में ऊर्जा की प्रतिक्रियाओं को ही महसूस करें। फ्लेक्सेस ऑफ एनर्जी यू कैन फील इनटू योर बीइंग एट मूलाधारा। जिन्होंने हाथ खोल रखे हैं तो हाथ में ही महसूस कर सकते हैं 7-8 बार।
चित्त को मूलाधार से उठाएंगे, सेंट्रल स्वाधिष्ठान में ले आते हैं, मध्य स्वाधिष्ठान में 10-5 सेकंड के लिए यहां महसूस करेंगे ऊर्जा को। और अब चलते हैं लेफ्ट स्वाधिष्ठान की ओर, मां सरस्वती के पास। साथ में ऊर्जा की धारा भी है जो पार ब्रह्म से आ रही है। 10-20 सेकंड के लिए हम मां सरस्वती के पास भी रुकते हैं, उनको जगाते हैं, पार ब्रह्म के प्रसाद को उनको पहुंचाते हैं। और अब यहीं से चलते हैं राइट स्वाधिष्ठान की ओर, धीरे धीरे अपने चित्त को राइट स्वाधिष्ठान पर ले आए। यहां 10-20 सेकंड के लिए रुके राइट स्वाधिष्ठान पे, ब्रह्मदेव के पास भेंट करें उन्हें, पार ब्रह्म का प्रसाद। और अब वही प्रक्रिया बाएं से दाएं 10-15 बार सेंट्रल स्वाधिष्ठान को छूते हुए। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, साथ में ऊर्जा के भ्रमण को भी महसूस करेंगे अपने भीतर तीनों स्वाधिष्ठान में। और अपने चित्त को हम सेंट्रल नाभि में ले आते हैं, 5-10 सेकंड के लिए यहाँ रुकते हैं और ऊर्जा को अनुभव करते हैं। अब यहां से लेफ्ट नाभि में जाएंगे श्री गृह लक्ष्मी के पास। 10 सेकंड के लिए चित्त अपना लेफ्ट नाभि पे रखेंगे, एनर्जाइज करेंगे इसको। और अब राइट नाभि की तरफ चलते हैं श्री राजलक्ष्मी के पास। 10 सेकंड यहां भी रुकते हैं। वही प्रोसेस दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, चित्त को तीनों नाभि में घुमाएंगे 10-15 बार, लेफ्ट नाभि से राइट नाभि, राइट नाभि से लेफ्ट नाभि, सेंट्रल नाभि को छूते हुए।
और अब चित्त को हम सेंट्रल हार्ट में ले आते हैं वापस। 10-15 सेकंड सेंट्रल हार्ट में रुकते हैं। यह खिंचाव महसूस कर सकते हैं। और अपने चित्त को ले जाएंगे हम श्री भोलेनाथ जी के पास लेफ्ट हार्ट में, और 10 सेकंड यहां बिताएंगे लगभग। अब लेफ्ट हार्ट से राइट हार्ट की ओर चलते हैं श्री राम के पास। पूरा चित 10-15 सेकंड के लिए श्री राम सीता के स्थान पर रखेंगे। और वही प्रक्रिया दाहिने हाथ से बाएं हाथ की ओर की यात्रा, और बाएं से दाएं की ओर 10-15 बार सेंट्रल हार्ट को छूते हुए। और जब आप ऐसे कर रहे होंगे तो आपके तीनों हार्ट में खिंचाव सा आ रहा होगा, एक सुखद खिंचाव। आपका दिल करेगा कि और खिंचाव हो, और खिंचाव हो, क्योंकि इसमें एक आनंद होता है। करिए 10-15 बार बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, अपने चित्त को तीनों हृदय चक्रों में घुमाएं। जिस दीवार घुमा रहे होंगे खिंचाव और बढ़ता जा रहा होगा, यानी कि तीनों चक्र जागृत हो रहे हैं। जाएं 10-15 बार। ये बहुत सुंदर घटनाक्रम है। जिनको भावनात्मक रूप से असुरक्षा महसूस होती है, जिनके दिल में परमानेंट दर्द और दुख रहता है, जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तीनों ही अवस्थाओं में ये सुधार होगा। असुरक्षा की भावना नष्ट हो जाएगी, हमेशा के लिए उदासी चली जाएगी, और आत्मविश्वास से लबरेज होंगे, प्रफुल्लित होंगे, प्रसन्न रहेंगे। ये तीनों चक्रों में घुमाना चित्त को ऊर्जा के साथ बहुत आनंददायी होता है, और बहुत सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। पूरा करने के बाद अब अपने चित्त को सेंट्रल विशुद्धि में ले जाएंगे, मध्य विशुद्धि, श्री राधा कृष्ण के पास। समस्त ऊर्जा को विशुद्धि चक्र में महसूस करें। देखें ऐसा महसूस हो रहा है ना, जैसे हमारा कंठ फूल रहा हो एक बैलून की तरह, गले में ऊर्जा भरती जा रही है, शस्त्रार से आने वाली ऊर्जा भी गले में, समस्त चक्रों से आने वाली ऊर्जा भी गले में। और अब अपने चित्त को लेफ्ट विशुद्धि में श्री विष्णु माया के साथ रखेंगे 10-15 सेकंड के लिए, बड़े प्रेम भाव से। छोटी छोटी गलतियां करने पे भी हमें डराती रहती हैं, दोष भाव को उत्पन्न कर देती हैं 2 मिनट के अंदर ही, ताकि मनुष्य सही रास्ते पे चले, सत्कार्य करे। इसलिए विष्णु माया को रखा हुआ है धमकाने के लिए, डराने के लिए। और अब चित्त को ले जाते हैं राइट विशुद्धि में श्री विठल के पास, साक्षात राजसिक भाव वाले श्री विठल। सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं, सदा आनंद बिखेरते हैं, और दुष्टों के लिए कर्कश हो जाते हैं।
दस पांच सेकंड इनके साथ ही बिताते हैं, राइट की शुद्धि में। अब वही प्रक्रिया प्रक्रिया करेंगे, लेफ्ट की शुद्धि से राइट की शुद्धि की यात्रा 10-15 बार। इस प्रोसेस से हर प्रकार की हीन भावना, गिल्ट कॉन्शियस, कर्कशता, लिप्तता, अब हर चीज में लिप्त हो जाते हैं बार बार, समाप्त होने लगती है। यदि एनर्जी को हम बार बार अपनी विशुद्धि चक्रों में दाएं से बाएं, दाएं बाएं से दाएं घुमाते जाएंगे, तो ये वाली चीजें हमारे अंदर समाप्त होने लगेंगी। घुमाते जाएं, घुमाते जाएं।
चित्त को उठा के शस्त्रार में ले आएंगे और 10-15 सेकंड के लिए इस तालु भाव पर अपने आप को स्थित करते हैं और ऊर्जा को महसूस करेंगे। दो प्रकार की ऊर्जा का यहां मिलन हो रहा है। समस्त चक्रों के जागृत होने से उत्पन्न हुई ऊर्जा शस्त्रार से बाहर की तरफ प्रस्फुटित हो रही है और उधर पार भ्रम के क्षेत्र से चित्त के माध्यम से आने वाली ऊर्जा शस्त्रार को सराबोर कर रही है। तो दो प्रकार की ऊर्जाओं का मिलन इस क्षण हमारे शस्त्रार पे हो रहा है। दो चार मिनट के लिए इस मिलन को अनुभव करें अपने शस्त्रार पे। और अब अपने चित्त को इस ऊर्जा के साथ में अपने पूरे शरीर पर बहा देंगे, मानो हम चैतन्य की वर्षा में स्थित है और वर्षा का जल हमारे सहस्त्रार से बहकर हमारे पूरे स्थूल शरीर को आनंदित कर रहा है। रिम चिम इस चैतन्य की वर्षा जो पार ब्रह्म क्षेत्र से आ रही है हमको आडोलित कर रही है, आनंदित कर रही है और हमारा हृदय बरसात में नाचने वाले मोर की तरह प्रसन्न है, नृत्य कर रहा है। इसी अवस्था में अपने चित्त को हम 20-25 बार अपने सर पर ऊपर की साइड जो हिस्सा होता है आकाश की तरफ का, गोल गोल अपने चित्त को घुमाएंगे अपने पूरे सर के ऊपर और महसूस करेंगे ऊर्जा को हर घुमाव के साथ सर के ऊपर ही ऊर्जा को महसूस करेंगे। 20-25 बार अपने चित्त को घड़ी की दिशा में शस्त्रार पे घुमाते हैं। हर घुमाव के साथ आपके सर पे हलचल महसूस होगी।
अब रुक जाते हैं और आधा एक मिनट के लिए बिल्कुल शांत होकर जो भी आज चित्त के माध्यम से हमने अपने यंत्र में किया है उसकी प्रतिक्रिया को महसूस करें अपने पूरे सूक्ष्म यंत्र में, एक एक रोम पर। आज एक एक रोम पुलकित है, प्रसन्न है, ऊर्जा से लबरेज है। एक डेढ़ मिनट के लिए शांत होकर इस अपने पूरे सूक्ष्म यंत्र को ऑब्जर्व करेंगे और इस आज जो पूरे यंत्र की शोधन की प्रक्रिया में एक आनंद जो आपको प्राप्त हुआ है वो आनंद आपके ध्यान को और गहरा करता जाता है और इस शोधन प्रक्रिया में हमारे भीतर के कुछ विकार भी अवश्य ही नष्ट हुए होंगे। देखिए सितार पे कैसा कंपन है आज, अभी थोड़ी देर के लिए सितार वाइब्रेट करा, बिल्कुल हो सकता है आप सबका भी थोड़ी देर के लिए करे, करा हो या कर रहा हो। आज बहुत ब्यूटीफुल स्थिति है सितार पे, सितार वाइब्रेट हो रहा है, महसूस करें। सितार का वाइब्रेट होना, कपकपाना बहुत ही विलक्षण घटना है। मानो बच रहा हो सितार, पल्सेट कर रहा है सितार, पल्सेशन एट सितार। सम ऑफ यू कैन फील पल्सेशन आदि मां शक्ति के प्रसन्नता का प्रतीक है। आदि शक्ति मां प्रसन्न है इसलिए सहस्त्रार वाइब्रेट करके अपनी प्रसन्नता को जाहिर कर रहा है, मां की प्रसन्नता को बता रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। सहल में आनंद है, पूरे यंत्र में हिलोरे उठ रही है ऊर्जा की। इस सुंदरतम अवस्था में आज का ध्यान का सेशन समाप्त करते हैं। ऑडियो का सेशन समाप्त हो रहा है पर आप अपना सेशन जारी रखिएगा, जितनी देर तक भी आप रखना चाहें, आनंद लेते रहिए। ये अवसर विलक्षण होते हैं, कभी कभी प्राप्त होते हैं। जय श्री माता जी।